हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस एंड फिजिक्स इज ऑब्वियसली फॉर क्यूरियस वंस। मैं मोनिका श्रीवास्तव आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कार्नो साइकिल, कार्नो प्रमेय और कार्नो इंजन को अच्छे से समझा था और एक क्वेश्चन भी किया था। ये कार्नो साइकिल का पार्ट टू है जिसमें मैं सबसे पहले आपको कार्नो इंजन और प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े गए कुछ थ्योरम्स और फिनामिना के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड देन हम पढ़ेंगे प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर यानी रिवर्स कार्नो साइकिल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, वन मोल ऑफ ए मोनोटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको एक कार्नो साइकिल दिख रहा होगा या एक साइक्लिक प्रोसेस दिख रही होगी जिसमें वन मोल मोनोटोमिक आइडियल गैस का ये साइकिल है। वी और टी को टेम्परेचर एंड वॉल्यूम से डिनोट किया है एंड इन चार ऑप्शन में से सही आपको ऑप्शन कौन कौन से हैं ये बताने हैं। तो ऑप्शन वन इज प्रोसेस, फर्स्ट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में गिवन है, यानी कि जो सेकेंड प्रोसेस है वो क्या हो गई आपकी आइसोकोरिक आइसोथर्मल एंड फोर्थ क्या हो गई आइसोथर्मल एज वेल एंड फर्स्ट एंड थर्ड कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी आइडियाबैटिक प्रोसेस हो गई आइसोबारिक प्रोसेस हो गई, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में बना ये जो ग्राफ है इसे देखकर हमें इन चारों ऑप्शंस में से राइट कौन कौन से ऑप्शन है उनका पता लगाना है। ऑप्शन वन है प्रोसेस, फर्स्ट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए प्रोसेस वन को क्या आइसोकोरिक है? नहीं, ये आइसोबारिक है। प्रोसेस सेकेंड में गैस एब्जॉर्ब्स हीट, ऑप्शन जो बी है हमारा। तो प्रोसेस सेकंड क्या है दोस्तों? प्रोसेस सेकंड है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है। जब डेल्टा यू जीरो होता है तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से डेल्टा डब्ल्यू जो है वो डेल्टा क्यू के बराबर हो गया, यानी इंटीग्रल पी डीवी ग्रेटर देन जीरो, यानी गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो क्यू एच इन साइड, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, इन प्रोसेस फोर्थ गैस रिलीजेज हीट। देखिए कार्नो साइकिल यहां से यहां गया ये साइकिल, देन यहां एंड देन यहां। यहां अगर गैस एंटर हो रही है आइसोबारिक प्रोसेस में तो यहां से गैस रिलीज होगी क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है क्यू एल। तो ऑप्शन थ्री भी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी, प्रोसेस फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट आइसोबारिक। तो देखिए दोस्तों, प्रोसेस फर्स्ट और थर्ड, मैंने आपको बताया था कि टीवी डायग्राम में स्लोप के साथ जो ग्राफ बनेंगे वो आइसोबारिक के होंगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड थर्ड जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक होंगी, यानी ऑप्शन जो हमारा डी है वो भी गलत हो गया। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। Here we come to the question. Second, a Carnot cycle has an efficiency of 30%. Its efficiency is to be increased to 50% by what must be the temperature of the source be increased if the sink is at 300 Kelvin. तो देखिए सबसे पहले हम 30% जब efficiency लेंगे तो क्या हो गया हमारा 0.30% equals to हो गया आपका 1 minus T2 upon T1. तो T2 क्या है हमारा 300, T1 हमें पता नहीं है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास T1 की वैल्यू आएगी ये 428.6 केल्विन, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि एफिशिएंसी को 50% तक हमने इंक्रीज किया, अब हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई? तो ये हो गई 0.50। तो 0.501 माइनस 300 बाई टी, यहां से आ गया T1 इक्वल्स टू 600 केल्विन। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड, कि टेम्परेचर सोर्स का कितना इंक्रीज होगा। तो पहले टेम्परेचर क्या आया अपना 628.6 केल्विन, और उस जब 50% हो गई एफिशिएंसी तो आता है 600 केल्विन। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 171.4 केल्विन। चलिए क्वेश्चन थ्री की तरफ बढ़ते हैं। ए कार्नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 हैज द एफिशिएंसी ऑफ 1/6। व्हेन द टेम्परेचर T2 इज लोवर्ड बाय 62 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी बिकम्स 1/3। ओके, देन टेम्परेचर T1 एंड T2 मस्ट बी,
टेम्परेचर T1 एंड T2 क्या होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें टेम्परेचर्स बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दे दी 1/6 एफिशिएंसी, फार्मूला लगा दिया 1 - T2/T1, देन एफिशिएंसी सडनली क्या हो गई, 62 केल्विन टेम्परेचर को घटाने पर 1/3 हो गई। तो हमने क्या किया, जस्ट T2 में से 62 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास T1 और T2 की वैल्यूज आ जाएंगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द बिलो हीट इंजन कैन बी पॉसिबल ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर T1 1400 एंड T2 300 ओके केल्विन। तो इनमें से ये चार हीट इंजन के जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हीट इंजन जो T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में काम करेगा? तो ये एक हमारा अनुमान होगा कि कौन सा हीट इंजन काम करना चाहिए। तो देखिए, नीटा यानी एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले होते हैं, W/Q एंड 1 - T2/T1। देखिए T2/T1 अपन को दे रखा है और ऑप्शन में हमें W/Q दे रखे हैं, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नीटा, नीटा इक्वल्स टू 1 - T2/T1, हमने वैल्यू निकाली तो आया 0.7857। अब हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस वैल्यू के ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा आसपास है। तो हम जब 1000/1083 करेंगे तो ये तो 1 के अप्रोक्सीमेट है, यानी ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ऑप्शन बी एंड सी आर द राइट वंस। ओके क्वेश्चन नंबर 5, 2 pounds of कार्बन डाइऑक्साइड एज एन आइडियल गैस एग्जीक्यूट्स ए कार्नो पावर साइकिल वाइल ऑपरेटिंग बिटवीन थर्मल रिजर्वायर्स एट 530 एंड 100 डिग्री फारेनहाइट। द टेम्परेचर्स एट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपांशन आर 400 एंड 200 LBF पर आयन स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। द स्पेसिफिक हीट रेशियो इज K इक्वल्स टू 1.24। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी, द वर्क फॉर द आइसोथर्मल एक्सपांशन इन BTU एंड द वर्क फॉर द एडियाबेटिक एक्सपांशन इन BTU। इस पूरे सिस्टम में आपको आइसोथर्मल एक्सपांशन और एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए वर्क निकालना है, जो जो आपको वैल्यूज गिवन है। देखिए, सबसे पहले तो हमको टेम्परेचर फारेनहाइट में दे रखा था, तो हमें इसे क्या करना है, केल्विन में बदल लेना है। प्रेशर भी हमें P2/P3 जो है ये LBF पर आयन स्क्वायर इनिशियल एंड फाइनल स्टेज का प्रेशर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट रेशियो दे रखा है और गैसेस का मास रेशियो दे रखा है। चलिए सबसे पहले द एक्सप्रेशन टू फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी लगाया एक्सप्रेशन, हमने T1 एंड T2 की वैल्यू रखी और ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। द एक्सप्रेशन टू फाइंड द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है। अब हमें क्या दे रखी है, M, R और T2 की वैल्यूज पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन। अब हमें निकालना है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, तो जस्ट फॉर्मूला लगाया, न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करी और ये आ गया हमारा एडियाबेटिक वर्क डन। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना था, आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना था, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, विच इज द रिवर्स्ड कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल हीट इंजन या कार्नो इंजन को जनरेट करता है, और रिवर्स्ड कार्नो साइकिल जहां रिवर्स प्रोसेस होती है, टोटली रिवर्सिबल साइकिल है, वो रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक के फिनोमिना को प्रोड्यूस करता है। कार्नो रेफ्रिजरेटर जो है नॉर्मल रेफ्रिजरेटर ही है, इसको हम अपने घरों में लगे एसीज या अपने घरों में लगे फ्रिज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वर्क करते हैं, सिंक से टेम्परेचर लेते हैं और सोर्स को देते हैं। कार्नो साइकिल में देखो क्या हो रहा था, कार्नो साइकिल में हो रहा था कि ये यहां पर T1 टेम्परेचर पे आपका सोर्स है एंड T2 पे सिंक है, और यहां से यहां पर हम एनर्जी दे रहे हैं और जो की वर्क में हमको मिल रहा है, हमारा आउटपुट है वर्क डन। बट
ये तो था कार्नो इंजन, बट जब हम कार्नो रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा करना है। सिंक से टेम्परेचर लेकर सोर्स को देना है, और ऐसा करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पर वर्क करवाना होगा, यानी वर्क यहाँ हमारा इनपुट है, समझ गए ना। तो बिल्कुल रिवर्स कार्नो साइकिल है, जहां वो कार्नो साइकिल हमारा इस हिसाब से चल रहा था, यहां से यहां, यहां से यहां, देन यहां से यहां एंड यहां से यहां, वैसे ही आप जब कार्नो रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो ये यहां से यहां जाएगा, देन यहां से यहां, देन एंड देन द लास्ट वन। तो ये हो गया ना रिवर्स साइकिल। सो द कार्नो रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, ए रेफ्रिजरेटर और ए हीट पंप दैट ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नो साइकिल इज कॉल्ड अ कार्नो रेफ्रिजरेटर और कार्नो हीट पंप। द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कार्नो साइकिल या कार्नो इंजन की बात कर रहे थे तो हमें निकाल रहे थे एफिशिएंसी ऑफ दैट इंजन यानी नीटा, और जब हम कार्नो रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कप्पा, इसको सीओपी भी बोलेंगे, कप्पा भी बोलेंगे, जो कि क्या हो गया 1-QH/QL या 1/QH/QL-1 या 1/1-QL/QH, ठीक है। QH क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एंड QL है द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हीट पंप्स सच एज कार्नो रेफ्रिजरेटर या कार्नो हीट पंप, द कॉप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय रिप्लेसिंग द हीट ट्रांसफर रेशियोज इन अबव इक्वेशन। इन इक्वेशन में हम जब हीट ट्रांसफर के रेशियोज रख देंगे तो हमारे पास सीओपी की वैल्यूज आ जाएंगी। रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल, हीट पंप रिवर्सिबल, ये याद रखने हैं फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले हैं फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे थे हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर की, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस रेफ्रिजरेटर। तो एकदम सिंपल सा है, इट यूजेस द इवेपोरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कूलिंग स्पेस इन द रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर का जो कूलिंग स्पेस है वहां से हीट एब्जॉर्ब करता है, और ये रेफ्रिजरेटर के बाहर जो मशीनरी लग रही है वहां से जो हाई टेम्परेचर है, हीट है, उसे इजेक्ट कर देता है। ये बेसिक आइडिया है। इसके 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, कंप्रेसर, फिन कॉइल यूनिट, एक्सपांशन वाल्व और हीट एक्सचेंजिंग पाइप्स। द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्क्स लाइक दिस, कैसे कैसे वर्क करेगा हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। The compressor compress the refrigerant vapor, increasing the temperature and pressure of refrigerant vapor. Compressor का काम क्या है? Refrigerant vapor को compress करना। अब कोई भी गैस जब compress होती है तो क्या होता है, उसका temperature increase और pressure of the refrigerant vapor, ठीक है। And then the high temperature and high pressure refrigerant vapor dissipate heat to the ambient when it flow to the fin coil unit outside the refrigerator. Refrigerator के बाहर की तरफ एक fin coil unit लगी होती है, जहां से high temperature और high pressure की refrigerant vapor heat dissipate करती है। The refrigerant vapor condense into liquid form. यहां ये जो refrigerant vapor है liquid form में condense हो जाती है। The cool liquid refrigerant flows through the expansion valve to reduce its pressure. जो हमारा third part था फ्रिज का expansion valve, उसका काम है इसके प्रेशर को रिड्यूस करना। द कूल लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपराइज व्हेन इट फ्लोस थ्रू द फिन कॉइल यूनिट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम द इनर स्पेस ऑफ रेफ्रिजरेटर। फिन कॉइल क्या करती है, वेपर के थ्रू जो इनसाइड कूल्ड टेम्परेचर है या हीट है उसको ले लेती है एंड मेकिंग द इनर स्पेस ऑफ रेफ्रिजरेटर कोल्ड। जब हम ठंडे में से और एनर्जी या हीट को निकालेंगे तो वो और ठंडा हो जाएगा, यानी रेफ्रिजरेटर को कोल्ड बना देती है। देन द गैस एंटर्स द कंप्रेसर टू बी कंप्रेस्ड अगेन, और गैस को कंप्रेसर में फिर से कंप्रेस होने के लिए डाल दिया जाता है, और ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। A household refrigerator is a combination of refrigerator and freezer. It is designed to maintain the freezer section at -18°C and the refrigerator section at -3°C. -18 और -3°C पर
रेफ्रिजरेटर को और फ्रिज सेक्शन को अलग अलग डिजाइन किया जाता है, फ्रीजर को और रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। चलिए अब हम इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कार्नो हीट पंप इज यूज टू हीट ए हाउस, द आउटसाइड टेम्परेचर इज -3 degree centigrade एंड द इनडोर टेम्परेचर इज -20 degree centigrade। इफ द हीट लॉस फ्रॉम हाउस इज 40 kW, द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हीट पंप इज। एक कार्नो हीट पंप है जो घर को गर्म रखने के काम आ रहा है, आप इसको एक हीटर के जैसे ले लीजिए। बाहर बहुत ठंड है, -3 degree centigrade है, आपका घर का टेम्परेचर -27 degree temperature है। अगर 40 kW हीट लॉस हाउस के थ्रू हो रही है तो हीट पंप को ऑपरेट करने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन एंड हियर इज द आंसर। तो हम क्या निकालेंगे, ये रिवर्सिबल कार्नो साइकिल है, हमें क्वेश्चन देखकर पता चल गया है। तो सीओपी निकालेंगे हीट पंप की, हीट लॉस अपॉन वर्क डन, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट कर दीजिए और वर्क डन आ जाएगा आपका 4 kW। सिंपल क्वेश्चन है, दो लाइन में सॉल्व हो गया। सो इसका आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 4 kW। तो ये थे आपके कार्नो रेफ्रिजरेटर एंड कार्नो साइकिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।